हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे चूरमा की रेसिपी। बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है चूरमा, राजस्थानी स्टाइल चूरमा रेसिपी शेयर करूंगी। और आपको पता ही है ये राजस्थान का बहुत ही फेमस डिश है और आजकल वैसे सभी बना लेते हैं, बट मैं अपने स्टाइल का आज मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम कैसे बनाते हैं घर पे। बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स में फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। और ये हम मोस्टली प्रसाद के लिए बनाते हैं, जैसे कि करवा चौथ स्पेशल या फिर और भी जैसे हमारे घर पे कोई पूजा होता है तो उसमें हम बनाते हैं। तो आपके साथ मैं आज इसी की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये वैसे बेसन से भी बन सकता है चूरमा, बेसन का चूरमा भी होता है, वो भी मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसन का चूरमा, बाजरा का चूरमा भी बनता है। तो चलिए आज तो मैं ये व्हीट फ्लोर वाला चूरमा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया नॉर्मल आटा रोटी वाला, जो हमारा व्हीट फ्लोर होता है, जैसा आप यूज़ करते हैं डेली के लिए वैसा ही आटा चाहिए इसके लिए। और इसमें अब हम डाल देंगे घी। इसमें कुछ भी नमक वगैरह हमें नहीं डालना है, सीधा हम इसमें घी डालेंगे और इसको अच्छे से मोयन दे देंगे ताकि जो चूरमा का अंदर का जो टेक्स्चर है वो काफ़ी सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से घी से मिक्स कर लेते हैं। और आपको पता ही है किसी भी चीज़ में थोड़ा सा मोयन देने से बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और सॉफ़्ट बनता है। बट हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मोयन देते हैं बिकॉज़ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है सॉफ्ट में। तो ये मैंने घी से मोयन दे दिया। उसके बाद हम नॉर्मल जो पानी से आटा जैसे लगाते हैं वैसे आटा लगा लेंगे। आपको सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए, इसके लिए हार्ड आटा चाहिए। ये देखिए मैंने आटा को अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे बॉल्स बना लिए बिकॉज़ अब हम इसको रोटी के स्टाइल में बेल लेंगे। बेलने के बाद हम इस तरीके से चाकू से इसमें छोटा छोटा होल कर देंगे बिकॉज़ हमें इस रोटी को फुलाना नहीं है, इसे हमें अच्छे से अंदर तक सेकना है तवे पे। तो इसलिए हम इसमें छोटा छोटा होल कर देंगे। अब ये मैंने तवे पे कर दिया है और इसके बैक साइड भी अब मैं होल कर दूंगी और इससे क्या होगा ये बहुत अच्छे से सिकेगी। तो ये देखिए इसका मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम में आप सेके इसे, ज़्यादा हाई फ्लेम में ये जल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी सिकी है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड से सेक लेना है इसे और इसको फिर उसके बाद जैसे हम रोटी गैस पे फुलाते हैं तो उस तरीके से हमें इसे अच्छे से गैस पे सेक लेना है। तो ये देखिए मैंने सारी रोटी रेडी कर ली है। फिर हम इसको थोड़ा ऐसी इस तरीके से छोटे छोटे पीस में तोड़ लेंगे बिकॉज ये थोड़ी ठंडी हो जाए। इसके बाद हमको इसे मिक्सर जार में ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ इसके फटाफट से। अभी बहुत गर्म है इसलिए ऐसे इस तरीके से करना पड़ रहा है। तो ये देखिए इसके पीसेस मैंने कर दिए हैं, ये लास्ट रोटी और है। और इसको आप थोड़ा अच्छे से पकाएंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, एकदम हल्का सा लाइट लाइट वो मत छोड़ना। जैसे मेरी ये सिकी हुई है ना थोड़ा सा डार्क गोल्डन में, वैसे ही सेकना है। तो ये देखिए ये ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये मैं छोटे छोटे पीसेस और करके डाल दूँगी, ज़्यादा बड़े पीसेस में पिसने में प्रॉब्लम आता है इसे, इसलिए आप थोड़े छोटे छोटे पीस करके ही डालें। तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से डाल लूँगी और अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ एक मिनट के लिए। और ये देखिए इस तरीके का हमें इसका मिक्सचर चाहिए। तो ये मैंने सारी रोटी पीस ली है, आप देख सकते हैं इस तरीके का ये चूरमा का बेस बन गया है। अब हमें यहाँ पे चाहिए शुगर पाउडर। अगर आपके पास शुगर पाउडर नहीं है तो आप बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास बूरा भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो चीनी होती है उसको आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। जितना आपने ये इसका चूरमा का ये टेक्सचर मिक्सचर हुआ है उसका हाफ हमें शुगर डालना है। तो ये देखिए मैंने पहले शुगर डाल के उसको अच्छे से मिला दिया। पहले शुगर को ही मिलाना है, बाद में हमें इसमें बहुत सारा घी डालना है, देसी घी। और ऐसे मार्केट का घी आप डालेंगे तो थोड़ा सा स्मेल आएगी अलग से, इसलिए आप घर का देसी घी ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये देखिए घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि चूरमा में जब घी ज़्यादा होता है तभी बहुत मज़ेदार लगता है, कम घी डालेंगे तो चूरमा का मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसके छोटे छोटे अब लड्डू बना दिए हैं और आपको अब मैं इसको अच्छे से दिखाती हूँ पास से कि ये किस तरीके का बना है। आप देख के बता सकेंगे कि हाँ ये चूरमा लड्डू बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। तो ये यहाँ पे मेरे 5 से 6 लड्डू बन गए हैं। ये देखिए इसमें कितना सारा घी दिख रहा है नीचे। तो कैसी लगी आप लोग को ये मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।